हाय गाइस, आज मेरे पास दो बजट लैपटॉप है। उससे पहले ये कहना पड़ेगा कि अगर आप विंडोज लैपटॉप देखने जाते हो 30,000 रुपए के नीचे नीचे, तो वहां पर कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो बजट लैपटॉप होते हैं ना, क्या वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लेकर आते और ड्यूरेबिलिटी तो उनकी बहुत ज्यादा बेकार होती है। उस केस में ये लैपटॉप स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से कुछ क्रेजी डील हो सकती है। सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मैं दोनों लैपटॉप को अनबॉक्स करके दिखाता हूं। ये जो लैपटॉप है ना गाइस, 30,000 रुपए का मिलता है, और उस हिसाब से जो ये टच स्क्रीन लेकर आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग डील है। लैपटॉप एक बार साइड में रख रहा हूं। ये चार्जिंग ब्रेक मिलेगी आपको, और इस साइड में आपको जो है चार्जर का लाइक थोड़ा सा और एक्सटेंड करने के लिए केबल मिलती है। इसको साइड में रख के मैं आपको लैपटॉप दिखाता हूं, क्योंकि जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है ना, वो काफी लाइक एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे कि आप देख रहे हो ना, हर जगह पर रबड़ कोटिंग इन्होंने लगा रखी है, और कुछ ऐसा दिखता है लैपटॉप। इसका नाम है ASUS BR1100F, और ये एक टच स्क्रीन वाला वेरियंट है। इसका एक और है दिखाता हूं, और ये वाला जो लैपटॉप है विदाउट टच स्क्रीन है, मैं आपको दिखाता हूं। जो टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है वो पूरा ग्लॉसी और कुछ ऐसा दिखता है, और जो विदाउट टच वाला है उसके जो है ऐसे कुछ बेजल्स दिखेंगे हमें, और पूरी मैट स्क्रीन मिलेगी। वैसे दोनों लैपटॉप एग्जैक्टली सेम है, और ये जो है 25,000 रुपए का मिलता है। अगर आपको टच वाला लेना है तो वो 30,000 रुपए का है। देखो, 25,000 रुपए के हिसाब से पूरा 180 डिग्री भी चला जाता है, और एक्चुअली में ड्यूरेबिलिटी मस्त है। बट उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर आप 30,000 वाला टच वाला लेते हो, ये पूरा 360 घूमकर कुछ ऐसे इसको टैब की तरह भी यूज कर सकते हो आप, जो कि विंडोज है। ड्यूरेबिलिटी पे इतना ध्यान दिया है कि यहां पर जो है ना, एक 3D टेक्सचर डिजाइन दिया है, जिसकी वजह से कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा। उससे पहले देखो, हर जगह पे जो है रबड़ का बम्पर दे रखा है। अगर फिजिकल शॉक लगता है, लगा लो जोर से गिरता है लैपटॉप, तो क्रिटिकल कंपोनेंट्स खराब नहीं होंगे। ASUS का तो इतना कहना है कि हम इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, और मैं आपके सामने करना चाहूंगा, टेस्ट ही कर लेते हैं। ओह माय गॉड, लैपटॉप बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है, और मैंने खुद टेस्ट किया है। चीजों को ऐसे समझो कि ASUS ने ड्यूरेबिलिटी इस हिसाब से दी है कि अगर कोई स्टूडेंट इस लैपटॉप को यूज करता है, तो डेस्क की हाइट होती है 120 सेंटीमीटर के करीब करीब। तो अगर 120 सेंटीमीटर से भी नीचे गिरता है, तो ये वो शॉक सह सकता है। इनफैक्ट ये जो रबड़ कोटिंग दी है ना, इसको ऐसे भी समझो कि स्टूडेंट है, उसने अपने बैग में जो है इस लैपटॉप को रख दिया, और आसपास किताबें है काफी हैवी, तब भी जो है लैपटॉप टूटेगा नहीं, इनफैक्ट ना ही इस पे स्क्रैच आएगा। तो मुझे थॉट प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग लगा। इनफैक्ट ब्रांड का ये भी क्लेम है, अगर स्टूडेंट काम कर रहा है और कीबोर्ड पे गलती से कोई ड्रिंक गिर जाती है, तो वो थोड़ा बहुत उसको वाइप करके होपफुली ये बच जाएगा, क्योंकि इस लैपटॉप का कीबोर्ड स्पिल रेसिस्टेंट है। और इस लैपटॉप के बैक साइड में यहाँ पर एक रबड़ ग्रिप मिल रही है, और मैं खुद देख रहा था कि इसको सच में ग्रिप दे रही है। अगर मैं पकड़ के इसको चलना चाहूँ तो इट्स इजी। इन शॉर्ट, ये जो लैपटॉप है काफी रफ एंड टफ है, और US मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड्स के साथ आता है, और ये वेट भी सह सकता है 28 kgs तक का। इनफैक्ट ब्रांड का तो ये भी क्लेम है, जो यहां पर पोर्ट्स दे रखे हैं ना, ये भी स्ट्रेस झेल सकते हैं, और इन्हें इसको सर्विस करना भी आसान है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सर्विस करना चाहता है तो नॉर्मल स्क्रूज है, उनको खोलना है, तो हम कीबोर्ड या फिर पोर्ट्स या फिर बैटरी खुद ही चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट इस चीज को मैंने टेस्ट भी करा, और सच में इजी था। अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं, तो एक किंगस्टन लॉक है, और ये जो है चार्जिंग के लिए, और ये जो है टाइप सी पोर्ट है USB 3.2, और ये टाइप ए है USB 3.1 HDMI है। और स्पेशल चीज ये देखो, यहां पर जो है हमें एक स्टाइलस भी मिल जाता है, और इस स्टाइलस को मैं टेस्ट कर रहा था। लेटेंसी तो बिल्कुल ठीक है, बट नोट्स वगैरह लेने के लिए ओके नहीं रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये बजट लैपटॉप है। बट कुछ हाईलाइट करना है आपको PDF में, या फिर कुछ मार्क करना है, मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये देखो गाइस, ये चार्ज भी जो है इसी के अंदर हो जाता है। अगर इसकी बैटरी खत्म हो जाती है, तो 15 सेकंड चार्ज लगाने के बाद 45 मिनट्स तक ये चल सकता है। ये मुझे काफी अच्छा लगा था सुन के, मतलब। और हां भाई, इसके टाइप सी पोर्ट से आप इसको चार्ज भी कर सकते हो। और लैपटॉप के राइट साइड की बात करूं, तो यहां पर हमें RJ45 LAN मिल जाता है, USB भी है, और ये जो आप लोग देख रहे हो ना गाइस, ये पावर बटन है, इतना छोटा सा, और ये वॉल्यूम रॉकर्स है, कम या ज्यादा करने के लिए वॉल्यूम, और ये हेडफोन जैक है। और गाइस पता है, खाली पोर्ट है, बट इसकी जगह पे सिम या फिर माइक्रो एसडी कार्ड लग सकता था, बट इंडिया में ऑप्शन दिया ही नहीं कि आप सिम या फिर माइक्रो एसडी कार्ड लगा सको। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं, तो जो ये टच वाला वेरिएंट है ना, ये काफी अच्छा दिखता है फ्रंट से, क्योंकि देखो इसका टच काम तो बहुत अच्छा कर रहा है। वैसे ये 11.6 इंच की एक IPS HD डिस्प्ले है, जो कि नो डाउट काफी लाइक अच्छे कलर्स दिखा रही है, कंटेंट कंजप्शन के लिए भी मुझे काफी अच्छी लगी आ रही है। बट जो बिना टच वाला वेरिएंट है ना, इसके बेजल्स थोड़े से ज्यादा हाईलाइट होते हैं, नो डाउट, बट मैट होने के फायदे है कि कम से कम रिफ्लेक्शन मिलती है, और ये भी एक HD डिस्प्ले है। और जो दोनों डिस्प्ले है वो iCare सर्टिफाइड है, तो जो ब्लू लाइट्स होंगी वो थोड़ी फिल्टर होकर आएंगी, और आंखें कम खराब होंगी। इस टच वाली वेरिएंट की डिस्प्ले मुझे ज्यादा अच्छी लगी है, सच में इसकी क्वालिटी काफी सही आ रही है। अगर ज्यादा कंटेंट देखता है कोई, तो मेरे हिसाब से इसकी तरफ भी देख सकते हैं। और इसके स्पीकर भी टेस्ट करते हैं, रुको।
बजट लैपटॉप देखते हुए चलूं तो लाइक डिसेंट स्पीकर ही है। और कनेक्टिविटी की बात करूं तो मैंने चेक किया है कि हम 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, तो वाईफाई 5 भी है और साथ में ब्लूटूथ 5 भी है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस लैपटॉप के अंदर इंटेल सेलेरॉन N4500 प्रोसेसर मिलता है और ये जो है 2 कोर वाला प्रोसेसर है और 1.1 गीगाहर्ट्ज़ की इसकी क्लॉक स्पीड है और इंटेल UHD ग्राफिक्स मिलते हैं, तो लाइक समझ लो छोटा मोटा टास्क भी हो जाएगा। प्लस 4GB इसकी रैम है और 128GB की SSD है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये NVMe है। इनफैक्ट मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ, यहाँ पर ये स्क्रूज पूरे नहीं निकलते, ये चीज मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, कल को खोएंगे नहीं है। प्लस अब मेरे को जो है इनको खोलने के बाद मैं यहाँ से जो हूँ इनको ऐसे कर सकता हूँ अपग्रेड के लिए। और मैंने लैपटॉप को खोला था, यहाँ पर जो है M.2 स्लॉट के अंदर आप 2TB तक की SSD लगा सकते हो, लेकिन आपको विंडोज फिर से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसमें मैंने बेंचमार्क रन करा है आप लोगों को दिखाने के लिए, PC Mark 10, उसका 1900 के करीब स्कोर था। मैं बोलूंगा सच में डिसेंट है अगर लाइक नॉर्मल टास्क परफॉर्म करने हैं तो। इनफैक्ट इसके स्टोरेज के स्पीड टेस्ट देखो, ये एक्चुअली में अच्छे है और इसीलिए लैपटॉप स्मूथ चलता है। जब भी मैं इसमें कोई कॉन्टेंट देख रहा था, ब्राउजिंग कर रहा था, तब इतना स्मूथ एक्सपीरियंस इसकी SSD की वजह से ही है। इस लैपटॉप में 2 कैमरा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और ये जो नीचे वाला ना 13 मेगापिक्सल का है और थोड़ी बहुत फोटोज खींचनी हो ना तो कोई खींच सकता है, स्क्रीन फोल्ड करी और ऐसे फोटो खींच जाती है। और जो ऊपर वाला कैमरा है इसके अंदर जो है प्राइवेसी शटर भी है, देखो अब ये जो कैमरा बंद हो गया है। इनफैक्ट कीबोर्ड में भी एक माइक ऑफ करने का डेडिकेटेड बटन दे रखा है, तो इन शॉर्ट वीडियो कॉल लेना काफी इजी रह सकता है। और गाइस देखना, मैं इसकी स्क्रीन फ्लेक्स कर रहा था, काफी कम है यार बजट लैपटॉप के हिसाब से। और अगर मैं कीबोर्ड के बारे में बात करूं तो एक चिकलेट स्टाइल देखने को मिलता है और जो की ट्रेवल है वो 1.35mm का है और जितना मैंने इसको यूज किया है मेरे हिसाब से काफी अच्छा फीडबैक देता है ये। और ट्रैकपैड की अगर मैं बात करूं तो ये मल्टी जेस्चर सपोर्ट कर रहा है और एक्चुअली में काफी रिस्पोंसिव है। जनरली जो बजट लैपटॉप होते हैं ना उनके ट्रैकपैड इतने अच्छे काम नहीं करते। और हाई कीबोर्ड जो है बैकलेट नहीं है। और ये जो LED दे रखी है ना गाइस, इसका सच में एक अलग यूज है। अगर ये जो LED है नॉर्मल जल रही है तो मतलब लैपटॉप जो है नॉर्मल ऑपरेशन में है। अगर ये स्लो ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब बैटरी जो है 20% से कम है। और अगर ये फास्ट ब्लिंक करने लगा मतलब कि इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। और ये जो लैपटॉप है ना इसके अंदर 42 वाट आवर की बैटरी देखने को मिलती है और ऐसा ब्रांड क्लेम है कि ये 10 घंटे चल सकता है, तो ठीक है ना, क्लासेस वगैरह के लिए परफेक्ट है। पता है इस लैपटॉप में खास क्या है, जिस प्राइस सेगमेंट पे आ रहा है ना 25 या फिर 30,000 रुपए में, तो यहाँ पर हमें विंडोज मिलता है, वो भी विंडोज 11 होम एडिशन, तो मेरे हिसाब से काफी लोगों को हेल्प करेगा क्योंकि जो विंडोज का इंटरफेस है, UI है, वो काफी फेमिलियर रहता है और लोग प्रेफर करते हैं कि यार लैपटॉप ही खरीद ले। क्योंकि मैं ऐसे काफी सारे लोगों को जानता हूँ जो कि लाइक टैब पसंद नहीं करते, जिनको एक बजट लैपटॉप चाहिए, तो वहां पर ये लाइक परफेक्ट सा बैठ सकता है। और आपने नोटिस किया होगा कि इस लैपटॉप को काफी मोबाइल टाइप की तरह बनाया हुआ है, पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स है, सेम इसके अंदर फैन भी नहीं है फोन की तरह। इसमें एक वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम दे रखा है जो कि लैपटॉप को लाइक हीट मैनेज करता है। तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि एक्चुअली में स्टूडेंट्स इसको चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही रफ एंड टफ चीज है यार। आप एक बार इमेजिन करो, आपको जो है टच भी मिल रहा है 30,000 रुपए में और लाइक डिसेंट परफॉर्मेंस मिल रही है, बैटरी लाइफ भी बिल्कुल ओके है। मेरे को ये एक्चुअली में एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगा है और आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे। और यहां पर वीडियो खत्म हो जाती है और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप यहां से देख सकते हो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बाजार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अभी मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।